गाइस, ये हमारा रॉयल लग्जरी मिल्सन है और इसका जो बेस कोड नंबर है 7858 बेस कोड नंबर है, जो आपको एशियन पेंट्स की दुकान से रॉयल लग्जरी मिल्सन में ये कलर बन जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसमें से 1 लीटर करीब मटेरियल डाला है, तो 450 से 450 ग्राम या पानी हमें डालना होगा इसमें। हद से हद 500 ग्राम भी हम 1 लीटर में डाल सकते हैं ब्रश से चलाएंगे तो। और वैसे भी हमने इसका बेस जो बनाना है वो ब्रश से ही बनाना है, क्योंकि हमने इसमें जो डिज़ाइन निकालना है वो कलर वाज निकालना है। और इसका जो टॉप कोट है वो हमारा वो है गोल्ड, इसके ऊपर जो है वो टॉप कोट जो लगाया हमने वो गोल्ड लगाया है। तो बेस कोट का आपको मैंने नंबर बताया 7858 नंबर बेस कोट है इसका रॉयल लग्जरी मिल्सन का। और दोस्तों, जो नीचे की अगर बेस की हम बात करते हैं, काफ़ी पेंटर भाइयों की आप शिकायत आती है मेरे पे और कमेंट में और फ़ोन करते हैं कि यार भाई जोड़ आता है। तो उसका भी हल यही है कि आप नीचे एक्रेलिक पुट्टी, 1 से 2 पुट्टी एक्रेलिक वाल पुट्टी और लिक्विड वाल पुट्टी निकलती है अपनी बाल्टी के अंदर, पैकेट के अंदर 102 पुट्टी करें कम से कम। उसके बाद 320 का रेगमाल लगाएं, उसके बाद उसको झाड़ें अच्छी तरह से। और झाड़ने के बाद में जब वो आपका झड़ जाता है, उसके बाद में आपने वाटर वेस्ट प्राइमर मारना है। वाटर वेस्ट इंटीरियर या एक्सटीरियर में दोनों कोई सा भी आपको मिल जाता है तो वो दोनों में से कोई भी प्राइमर आप दीवार पर यूज कर सकते हैं, इंटीरियर या एक्सटीरियर। उसके बाद प्राइमर यूज करने के बाद में 2 कोट जब आपके एक कोट प्राइमर का हो जाता है, 2 कोट फिर आप रॉयल लग्जरी मिल्सन के मार सकते हैं। 2 की बजाय 3 भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर हीटिंग है तो 4 कोट आप कर सकते हैं। अगर दीवार ज़्यादा हीट कर रही है, ज़्यादा गर्म हो रही है और साइड वाली वॉल्स है और उसमें धूप ज़्यादा तपन पड़ रही है, तो 4 कोट आप रॉयल लग्जरी मिल्सन के लगा दीजिए और 24 घंटे का उसको सूखने का मौका दीजिए। और सुबह ही सुबह जाकर टेक्स्चर बनाइए, सुबह 9 और 10 के बीच में आप टेक्स्चर बना दें, आराम से बन जाएगा, ना ही कोई जोड़ आएगा ना कुछ आएगा। ये मटेरियल हमारा गोल्ड है, ये रॉयल प्ले मेटेलिक गोल्ड। इसका दोस्तों कोई नंबर नहीं होता, ये रॉयल प्ले मेटेलिक गोल्ड के नाम से मिलता है। तो इसमें हमने 1 लीटर में कितना पानी मिलाया, 1 लीटर में सिर्फ ओनली 100 ग्राम हमने पानी मिलाया है, ज़्यादा नहीं, 1 लीटर में ओनली 100 ग्राम मिलाया है। और कुछ टेक्स्चर ऐसे होते हैं जिसमें के 1 लीटर में 50 ग्राम पानी मिलता है, कुछ टेक्स्चर ऐसे होते हैं। तो गाइस, आपने क्या करना है, इस तरह से होले 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 अपने काम करना है, ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा तेज़ी के साथ स्पीड के साथ काम नहीं करना है आपने, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड के साथ काम कर ही नहीं सकते इसको हम, तो इस करके इसको आराम आराम से करना पड़ता है। तो जगह जगह ब्रश से माल टच कर लें, जैसे कि अभी इसमें दिखा रहे हैं माल टच करते हुए ब्रश है। उसके बाद स्पॉन्ज है मेरे पास, ये हाथ में जो लग रही है ना, ये स्पॉन्ज है, ये सोफे गद्दे वाली जो स्पॉन्ज होती है ना, वो स्पॉन्ज है ये। और स्पॉन्ज से क्या काम किया है कि जगह जगह जो स्टिकर से हमने लगाए हैं तो इसको हमने लेफ़्ट राइट स्पॉन्ज को घुमाया है। लेफ़्ट राइट घुमाने से क्या होता है, गोल गोल सर्कल बन जाते हैं, ये देखिए लेफ़्ट राइट घुमा के गोल गोल सर्कल बन गए। और बनने के बाद में पीछे पीछे आप बंदा देख रहे हो, जो पीछे एक बंदा एक और डिज़ाइन निकाल रहा है हमारा, तो वो इसका डिज़ाइन निकालते हुए जा रहे हैं। और लेकिन जो कलर वास हमने जो डिज़ाइन निकालना है वो गीले गीले पे आपने डिज़ाइन नहीं निकालना है, अगर थोड़ा सा उसको टाइम देना होगा, थोड़ा सा वक्त देना होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट हर एक पेज को आपको टाइम देना होगा। पहले अच्छी तरह से उसको मिक्सिंग करो, जैसे ये मिक्सिंग हो रही है, उसके बाद 2-4 मिनट का टाइम दे दो उसे, जब तक और जगह और स्टेप में काम कर सकते हो। जब वो हल्का ड्राई होने लगे, यानी सूखने लगे हल्का हल्का, तो उसके बाद फिर स्पॉन्ज से अपना धीरे धीरे स्पॉन्ज से डिज़ाइन निकालना है। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए इसमें, जिस तरह का भी चाहिए, बादल इफ़ेक्ट चाहिए या फिर नॉर्मल इफ़ेक्ट चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे इफ़ेक्ट होते हैं। एक बादल जैसा होता है कुछ, एक नॉर्मली बंदे कस्टमर मांगते हैं कि यार हमें बादल जैसा नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल चाहिए। तो इसमें हमने हल्का सा नॉर्मली दिया है, मतलब हल्का बादल का लुक दिया है, हल्का सा, पूरा बादल लुक नहीं दिया है, क्योंकि कस्टमर पूरा बादल लुक नहीं है पसंद। तो ये कलर वास है, इसका नाम कलर वास है डिज़ाइन का नाम। तो इस तरह से हमने इसका लुक निकाला है। और दीवार कम से कम ने 300 फीट दीवार करी है, इसमें कोई जोड़ नहीं आया। और जो एरिया था ये फ्लैट का था, मतलब फ्लैट उसका जो एक फ्लैट था, फ्लैट तो फ्लैट का एक एरिया है ये, तो इसमें हमने 300 फीट एरिया किया था, तो कहीं भी जोड़ नहीं आया दीवारों में कहीं भी, और डिजाइन भी एकदम अच्छा निकल के आया है। तो इस तरह से माल लगा के एक बंदा स्पॉन्ज से इसको मिला दे, दूसरा बंदा इसका डिज़ाइन निकाल दे। ये देखिए डिजाइन इधर निकल चुका है अच्छी तरह से। और डिजाइन निकालते हुए मतलब ज़्यादा टेंशन है या कोई जो वो, मतलब फ़ोन भी अगर साइलेंट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ़ोन जब
साइलेंट आप कर लेते हो और काम में हमारा बहुत अच्छी तरह से मन लगने लगता है और काम हम बहुत अच्छी तरह से उसे कर देते हैं। नहीं तो हमारे दिमाग में जैसे फ़ोन आता है तो हमारा ध्यान कट जाता है और वहाँ पे ही ध्यान का फ़र्क पड़ जाता है। उससे क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है हमारा क्लाइंट, तो वो बोलने लगता है कि भैया ये काम अच्छा नहीं हुआ, दीवार में जोड़ आ गए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जहाँ तक कोशिश है कि फ़ोन को साइलेंट कर दें या किसी को दे दें साइलेंट करके, क्योंकि आवाज़ आएगी तो फिर भी आपको डिस्टर्ब होगा। और बोलने के वजह से किसी का भी अगर फ़ोन आता है तो आप खुद हैंडल करना, खुद देखना, मुझे मत बताना जब तक मैं डिजाइन निकालूंगा। उससे क्या होता है कि आपका पूरा मन डिजाइन निकालने में होगा, आपका काम करने में ध्यान होगा, तो आपका जो ध्यान जो काम करने में होगा और जो डिजाइन होगा आपका, बहुत अच्छी तरह से आपका वो डिजाइन निकलेगा, जिससे कि आपको कोई कमी महसूस दीवार में नहीं होगी। तो दोस्तों हमने कुछ दीवारें, दो दीवारें थी हमारी, वो हमने कर दी हैं। अभी क्या कि तीसरी दीवार है, ये तीसरी दीवार भी हम कर रहे हैं। अभी मैं पूरा जो दीवार है वो भी आपको दिखाऊंगा। और रंग इसकी हम बात करते थे कॉपर दिख रहा है, लेकिन ये कॉपर नहीं है दोस्तों, गोल्ड ही है, क्योंकि लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है। और दूसरी बात, ये कैमरे से सूट नहीं हुई है, ये मोबाइल से सूट हुई है, आईफोन से सूट हुई है। तो आईफोन में जो कलर होता है लाइट का इफेक्ट पड़ता है, जिस जो लाइट देती है वही कलर आईफोन दिखाता है, लेकिन ये है गोल्ड, देखने में ये कॉपर लग रहा है। तो अभी रियल आपको दिखेगा थोड़ी देर में। तो इस तरह से आपने स्पॉन्ज चलाना है, जिस तरह से मैं चला रहा हूँ और दिखा रहा हूँ इसमें कि किस तरह से स्पॉन्ज चलानी होती है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा रखी है। बहुत बड़ी वीडियोस थी, 30 मिनट की वीडियो थी, और स्पीड ज़्यादा इसलिए कर रखी है क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हर एक बंदा नहीं देख पाता, तो इस करके हमने इसको थोड़ा स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी है। तो हल्के हल्के हाथ आपने, जैसे मैं मटेरियल अगर चढ़ाया उसके बाद हाफ राउंड किया, मतलब आगे पीछे आपने गद्दी घुमाई, उसके बाद हल्के हाथ से आपने नीचे की तरफ खींचना है, मतलब एक डिज़ाइन का इफेक्ट देना है। जो डिज़ाइन आपको चाहिए वही इफेक्ट देना है, पूरी दीवार पर वही इफेक्ट देना है। अगर वही इफेक्ट रहेगा तो आपकी दीवार बहुत शानदार बनेगी। तो जैसे कि आपने देखा इसमें, और बकाया मैं थोड़ा करीब से भी दिखा दूँगा, अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे हम ज़्यादा करीब लेके आते हैं फ़ोन के लिए तो इस तरह का लुक आता है, और थोड़ा अगर दूर लेके जाते हैं तो थोड़ा सा येलो उसमें नज़र आता है, मतलब गोल्डन में नज़र आता है। जैसे कि ये देखिए, मतलब कि लाइट का इफेक्ट है, ये देखिए, अगर लाइट जैसी पड़ेगी वैसा ही आएगा। ये गोल्ड है, कोई वो नहीं, कॉपर नहीं, कुछ नहीं है, कॉपर जैसा दिख रहा है। तो दीवार हमारी होने वाली है थोड़ी देर तक पूरी। और गाइस हमारा फेसबुक पेज, मेरा एक फेसबुक पेज है गफार्ट टेक नाम से, उस फेसबुक पेज के लिए आप फॉलो कीजिए। और वहाँ पे मैंने कोर्स चला रखा है, जो हमारे बंदे नए बंदे हैं उनके लिए सीखने के लिए कोर्स चला रखा है, बिल्कुल फ्री कोर्स है। और कम से कम 18-19 चैप्टर उसमें पढ़ चुके हैं, पॉलिश के, टेक्चर के या नॉर्मल पेंटिंग के, सारा कुछ मैंने एक तरफ से उसमें सिखा रहा हूँ। तो गाइस ये छत, वो ये दीवार हमारी फाइनल हो चुकी है, और देख सकते हो किस तरह की ये दीवार है। और मैं थोड़ा करीब में करके दिखा देता हूँ किस तरह का इसका लुक आया है सूखने के बाद, तो और भी शानदार लुक लगा दोस्तों। तो ये तो गीले गीले भी हमने इसको शूट किया था, गीले गीले भी हम इसकी फ़ोटो, मतलब वीडियो शूट करके लेके आए थे, सूखने के बाद तो और भी अच्छा लुक आया था इसका निकल के। तो देख सकते हो गाइस का डिज़ाइन जो निकला बहुत शानदार निकला है, बहुत बढ़िया निकला है। तो दोस्तों चैनल को कर दो सब्सक्राइब जल्दी से, और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो जिस तरह से मैंने ट्रिक बताई है इस तरह से आपको जोड़ नहीं पड़ेंगे, और डिज़ाइन भी आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी।